Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in today's video we will be covering ACCA F3 chapter number 3, that is double entry bookkeeping. So इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ है जो हमें सारी स्टडी करनी है. तो जैसा कि मैंने अपनी ACCA F3 की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अकाउंट्स को बनाने का एक प्रोसीजर होता है प्रॉपर. सो यहाँ पे हम वो प्रॉपर प्रोसीजर ही पढ़ेंगे कि हमें अकाउंट्स बुक कैसे मेंटेन करनी होती है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, सबसे पहले जो भी एक अकाउंटेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ बिजनेसमैन, दिस पर्सन इज अ बिजनेसमैन. बिजनेसमैन को अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, ठीक है. ही इज़ नॉट एन अकाउंटेंट, ही इज़ अ बिजनेसमैन. उसका काम है सिर्फ अपनी डेली ट्रांजैक्शंस करना, ठीक है. सो व्हाट ही डू इज, जितनी भी वो ट्रांजैक्शन पूरे दिन में करता है वो उसको एक रजिस्टर में लिख लेता है. इतने की मैंने सेल करी, इतने की परचेज करी, उन सबको, किसी को कैश दिया, किसी से लिया, ऑल दोज ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन दिस बुक विच इज कॉल्ड लाइक ट्रांजैक्शन बुक, जिसमें वो अपनी सारी रिकॉर्डिंग करता है जो भी उसने ट्रांजैक्शंस करी हैं उनको, इन लेमैन लैंग्वेज. अब आता है रोल अकाउंटेंट का. दिस पर्सन इज अ अकाउंटेंट. अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट इस ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करता है इन डिफरेंट बुक्स विच इज अकाउंटिंग बुक्स. अभी हम सारे पढ़ेंगे अकाउंटिंग बुक्स. इस ट्रांजैक्शन को वो उन अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करता है जो जो ट्रांजैक्शन जहां जहां जानी चाहिए. इन सारी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद उसको अपनी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए एक बेस मिल जाता है. ये सारा हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी बहुत डिटेल में कराने का देयर इज़ नो यूज़, विल स्टडी दैट स्लोली. बट फर्स्टली इन दिस चैप्टर यू नीड टू नो इज कि जो भी हम ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जो बिजनेसमैन रिकॉर्ड करता है, अकाउंटेंट उस नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इन यूजफुल बुक जो उसको आगे एक इम्पॉर्टेंट डेटा दे सकती हैं. तो यहाँ पे हम ये सारी बुक्स के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. तो यही इस चैप्टर का मेन क्रक्स है. इन बिटवीन यहाँ पे हमारा एक आ जाता है जर्नल एंट्री, विच इज़ डबल एंट्री बुककीपिंग. तो उसका हमारा फॉर्मेट होता है डेबिट समथिंग, क्रेडिट समथिंग, ये सारा अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत स्लो स्लो चलेंगे हम. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरे अकाउंट्स का ये बेस है. आगे जितना भी तुम अकाउंट्स पढ़ोगे ACCA में, इनफैक्ट नॉट इन ACCA, इफ़ यू स्टडी अकाउंट्स इन एनी अदर कोर्स, तो ये चैप्टर उसका बेस है. हर सब्जेक्ट के अंदर, हर टॉपिक के अंदर, हर फील्ड के अंदर अकाउंट्स में ये चैप्टर होता है इन डिफरेंट वेज, बट क्रक्स यही होता है, ठीक है. सो दिस इज डबल एंट्री बुक कीपिंग. सो लेट स्टार्ट. तो जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन सिंपल लिस्ट ऑफ डेली ट्रांजैक्शन, मतलब लेमैन लैंग्वेज में उसको वो डेली ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करते हैं. डेली ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करने के बाद दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री. अकाउंटेंट इनको बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, वो ये सारी होती हैं अभी हम पढ़ेंगे. उसके बाद वो इसको अपडेट करता है उनके लेजर्स में, ठीक है, लेजर्स में उनको अपडेट करता है. और लेजर्स में अपडेट कैसे होते हैं, बेसिकली वो ये चार्ट ऐसे चल रहे हैं, लेजर में अपडेट वो कैसे होते हैं, विद दी हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड डबल एंट्री यूज टू रिफ्लेक्ट ड्यूरेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन. अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे सारा, अभी हम तेज नहीं चलेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले आता है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिए थ्योरी, यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट एक बार मैं वैसे पढ़ा देता हूँ. इन एवरी बिजनेस अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विल टेक प्लेस एवरी डे. द रोल ऑफ अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू इफेक्टिवली मेजर द इफेक्ट्स ऑफ दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑन द बिजनेस एंड समराइज दोज ट्रांजैक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस in a format
दैट इज़ यूजफुल फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जो वो लेमन लैंग्वेज में हमारे पास फॉर्मेट था उसको कन्वर्ट करना है इन अ यूजफुल फॉर्मेट, सो दैट उससे हम कुछ इम्पॉर्टेंट निकाल सकें, जैसे बुक्स बना सकें, प्रॉफिट निकाल सकें. द मेन ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस इंक्लूड सेल्स, परचेज, पेरोल एक्सेट्रा. ठीक है, सो अभी हमारा आता है इंपॉर्टेंट, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें से वन मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं. सो ये हमारे को क्या बता रहा है, दिस थिंग स्टेट्स कि पूरी एक बिजनेस के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, किस चीज़ की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, और उसके अंदर जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, बेसिकली हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दीज आर डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा और हर डॉक्यूमेंट का क्या क्या पर्पस होगा वो हम पढ़ेंगे. तो बिजनेस में मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट मोस्टली हमारे यही सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं. तो एक एक करके हम डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं और उसको समझते हैं. दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन. जैसे अगर मैं एग्जांपल देके तुम्हें बताऊं, तो फॉर एग्जांपल यू आर अ बिजनेसमैन एंड तुम्हारे को अपने ऑफिस के लिए लेट से कंप्यूटर्स बाय करने थे. यू वॉन्ट टू बाय कंप्यूटर्स फॉर योर ऑफिस. एज अ गुड बिजनेसमैन तुम एक ही दुकान से वो कंप्यूटर्स बाय नहीं करोगे. तुम क्या करोगे, तुमने डिफरेंट डिफरेंट जो सेलर्स हैं कंप्यूटर के, उन सब को तुमने इन्फॉर्मेशन दी कि तुम्हें इतने कंप्यूटर्स चाहिए फॉर ऑफिस के लिए, जिसको बोलते हैं कोटेशन. इन्होंने वो कोटेशन बना के तुम्हें वापस भेजी कि इतना इतना अमाउंट हम आपको ऑफर करेंगे, इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा फॉर दोज कंप्यूटर्स. अब जो भी कंपनी, इनमें से जो भी कंपनी तुम्हें बेस्ट प्राइस पे वो कंप्यूटर्स देगी, तुम जैसे फॉर एग्जांपल इस बंदे से तुम्हारी डील फाइनल होगी, इसने तुम्हें सबसे सस्ते और सबसे अच्छे कंप्यूटर्स दिए, तो तुमने इसको अपनी परचेज डिटेल दे दी कि ये सारे कंप्यूटर्स मुझे चाहिए. इसने वो सारे कंप्यूटर्स तुम्हें भेज दिए. कंप्यूटर भेजने के बाद तुमने वो कंप्यूटर्स जो इन्फॉर्मेशन उसको भेजी थी उससे चेक करे. चेक करने के बाद इस पर्सन ने तुम्हें बिल भेजा कि इतने पैसे दो, तुमने उसकी उसको पेमेंट कर दी. यही सारी नॉर्मली एक बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं. डॉक्यूमेंट्स यही बनते हैं. जब हम किसी को सैलरीज वगैरह देते हैं या रेंट पे करते हैं तो उनके एसेट्स डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, डॉक्यूमेंटेशन मोस्टली इसी चीज़ के बनते हैं. तो हम एक ही डॉक्यूमेंटेशन अब पढ़ेंगे. तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा आता है कोटेशन. सो कोटेशन इज क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स ऑफ गुड रिक्वायर, कि हमें कितने गुड्स रिक्वायर है उसकी कोटेशन. तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस इज टू एस्टैब्लिश प्राइस फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स एंड क्रॉस रेफर टू परचेज रिक्विजिशन. मतलब जो हमने परचेज की डिटेल्स बोली थी उसके अकॉर्डिंग जिस जिस सेलर ने हमें प्राइस बताया है वो होता है कोटेशन मांगना. देन आता है परचेज ऑर्डर. अब परचेज ऑर्डर क्या होता है, हमने जो बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट किया था अब हम उसको अपना प्रॉपर परचेज ऑर्डर देंगे कि हमें ये सारा सामान चाहिए. तो परचेज ऑर्डर इज डिटेल ऑफ सप्लायर, उसका नाम, एड्रेस, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिलीवरी ऑफ पेमेंट, ये सारा परचेज ऑर्डर में लिखा जाता है. ये हम सप्लायर को भेजेंगे एज अ रिक्वेस्ट टू सप्लाई गुड्स टू अस टू चेक द कोटेशन एंड डिलीवरी नोट, कि हम ये सप्लायर को भेजेंगे कि आप हमें ये सारे गुड्स अब भेज दो. इसके बाद हमारा आता है सेल्स ऑर्डर. अब सेल्स ऑर्डर क्या होता है, सेल्स ऑर्डर जो भी सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर एक सेल्स ऑर्डर बनाएगा कि हमें जो सप्लायर ने, ये हम हैं, दिस इज हम, हमें जो सप्लायर ने गुड्स देने थे उसके लिए वो एक सेल्स ऑर्डर बनाएगा SO. इसमें भी जो हमने परचेज की डिटेल्स लिख के भेजी थी वो सेम डिटेल्स सेल्स ऑर्डर में लिखेगा, और वो लिखने के बाद जो भी इसके कंपनी के वेयर हाउस है या जहाँ, जैसे एक कंप्यूटर तो मेरे को मंगाना नहीं है, हो सकता है 100 कंप्यूटर्स मंगाने हो, तो उसके लिए ये सारी वो डिटेल्स अपने वेयर हाउस में भेजेगा जहाँ जहाँ से जो जो सामान इसको चाहिए. सो अब आता है सेल्स ऑर्डर. तो सेल्स ऑर्डर पे मैंने अभी क्या बताया था, सॉरी वो बीच में वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी. तो सेल्स ऑर्डर क्या होता है बेसिकली, कि जो भी सप्लायर होता है, जो भी सामान उसको हमें भेजना होता है, तो सप्लायर एक सेल्स ऑर्डर बनाता है और वो सेल्स ऑर्डर बना के
अपने वेयरहाउस में इंफॉर्मेशन देता है कि ये सारा सामान आप वहाँ से निकाल लो, ये सारे कंप्यूटर्स, ये सारे स्क्रीन्स, मॉनिटर्स, सीपीयूज, सब कुछ। सो सेल्स ऑर्डर उसके अंदर आता है क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड एंड परच प्राइस, क्रॉस चेक विद द ऑर्डर प्लेस बाय द कस्टमर, सेंड टू स्टोर्स, वेयरहाउस डिपार्टमेंट्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द ऑर्डर। अब उसके बाद आता है डिस्पैच नोट। अब डिस्पैच नोट क्या होता है, ये जो सप्लायर है, अब सप्लायर ने जब वो सारे गुड्स अपने इकट्ठे कर लिए तो वो क्या करेगा, वो एक डिस्पैच नोट बनाएगा, और वो नोट वो जो ट्रक ड्राइवर होता है, मेरी थोड़ी सी ड्राइंग बेकार है, तो डिस्पैच नोट ट्रक ड्राइवर को देगा और उसके अंदर वो सारा सामान लोड करा देगा, जो भी हमारा सामान होगा वो सारा सामान इस ट्रक में लोड करा देगा और डिस्पैच नोट वो ट्रक वाले को दे देगा कि मैंने इस ट्रक के अंदर ये सामान चढ़ाया है, ठीक है, और इसकी एक कॉपी वो हमें भी फॉरवर्ड कर देगा कि हमने कि मैंने सप्लायर बोलेगा मैंने ट्रक में ये सामान चढ़वा दिया। तो डिस्पैच नोट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ सप्लायर, एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, क्वान्टिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, इट इज़ प्रोवाइडेड बाई द सप्लायर, चेक्ड विद द गुड्स रिसीव एंड परचेज ऑर्डर। अब जब हमारे पास ये गुड्स आ जाएंगे, हम वही डिस्पैच नोट चेक करेंगे कि जो डिस्पैच नोट उसने हमें भेजा था और ट्रक वाले को दिया था क्या वो सेम है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रक से हम सारा सामान अनलोड कराएंगे चेक करते हुए कि जो जो सामान इसमें लिखा हुआ है वही सारा सामान ट्रक में है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रक में बीच में से सामान गायब है, कल को वो सप्लायर बोले मैंने तो भेजा था और तुमने रिसीव कर लिया होगा मुझे बता नहीं दे, तो हम डिस्पैच नोट से ऑन द स्पॉट चेक कर लेंगे ताकि अगर कुछ गड़बड़ है तो हम ऑन द स्पॉट क्लियर कर लें, चाहे ट्रक वाले से बात करके चाहे सप्लायर से बात करके। इसके बाद आता है गुड्स रिसीव नोट्स। अब गुड्स रिसीव नोट क्या होता है, जैसे ही हमारे पास ये गुड्स आ जाएंगे और वो डिस्पैच नोट से टैली कर जाएंगे तो हम एक नोट जिसको बोलते हैं GRN, गुड्स रिसीव नोट बना के सप्लायर को भेज देंगे कि ये सारी क्वांटिटी के गुड्स हमें रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। सो गुड्स रिसीव नोट इज क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अस, दैट इज बाय रिसीविंग कंपनी फॉर द गुड्स एज प्रूफ ऑफ रिसीट मैच्ड विद द डिलीवरी नोट एंड परचेज ऑर्डर, कि जो भी हमें गुड्स मिले हैं वो सारे के सारे गुड्स कंपेयर टू परचेज ऑर्डर सेम है, जो हमें चाहिए था वो सब मिल गया है, डिस्पैच नोट से भी इसको टैली करके बना के हम सप्लायर को दे देंगे। अब आता है इनवॉइस। अब इनवॉइस क्या होगा, इनवॉइस इज सप्लायर हमें, जब हम उसको गुड रिसीव नोट भेज देंगे कि हमें गुड्स मिल चुके हैं तो वो हमें बिल दे देगा कि इतना अमाउंट आपको पे करना है। Whenever invoice is issued, this is most important point, exam में आ ही जाता है, invoice भेजने का purpose ये होता है to ask the customer to pay the amount. अगर हम hotel में जाके, restaurant में जाके lunch या dinner करते हैं तो हम जब उससे bill मंगाते हैं, bill मंगाने का purpose ये नहीं होता कि हमें ये check करना है कि हमने कितना खाया है, बिल मंगाने का पर्पस ये होता है कि कितना अमाउंट हमें पे करना है तो वो हमें बताओ। सेम वे इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस कंटेन नेम, एड्रेस ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर, डिटेल्स ऑफ ऑल द गुड्स, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, सब कुछ उसमें आता है, टैक्स कितना था, सेल्स टैक्स वगैरह एंड ऑल, वो सब कुछ उसमें आएगा। इश्यूड बाय सप्लायर ऑफ द गुड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फॉर द एज अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट, कि पेमेंट के पेमेंट लेने के लिए सप्लायर हमें अपना इनवॉइस भेजता है। फॉर द सप्लायर सेलिंग गुड्स सर्विसेज, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सेल्स इनवॉइस, फॉर कस्टमर दिस विल बी ट्रीटेड एज परचेज इनवॉइस। हमें जो मिलता है, हम कस्टमर हैं तो हमें जब ये मिलेगा हम इसको बोलेंगे परचेज इनवॉइस, जिसने भेजा है उसके लिए होगा ये सेल्स इनवॉइस। आगे स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ सप्लायर, एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, वैल्यूज, पेमेंट मेड, रिफंड, अमाउंट ओइंग। तो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट हमें सप्लायर भेजेगा, सप्लायर विल सेंड द स्टेटमेंट टू अस, यानी हमें, जिसमें वो लिख के भेजेगा कि इस इनवॉइस में टोटल अमाउंट ये आपको पे करना था, प्लस ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे, प्लस पुराना आपका इतना पेंडिंग था, बेसिकली खाता।
तो सारे खाते का टोटल बना के वो हमें भेज देगा कि टोटल अमाउंट हमसे इतना सप्लायर को लेना है, दैट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट इज इश्यूड बाय सप्लायर चेक्ड विद अदर डॉक्यूमेंट्स टू एंश्योर दैट द अमाउंट ओइंग इज करेक्ट, कि जो टोटल अमाउंट है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। या इसका एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अब हुआ क्या, तुम रेस्टोरेंट में गए, तुमने डिनर किया, डिनर करने के बाद तुमने उससे बिल मंगाया, तुम्हारा बिल आया लेट से ₹1100 का तुम्हारा बिल आया, लेकिन तुम्हारे पास कोई जोमैटो या किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन था तो तुमने डिस्काउंट करा था, तो बिल तो तुम्हारे को इतने का आया, लेकिन उसने तुम्हें एक स्टेटमेंट दी साथ ही बिल के साथ एक और पेज कि इतना अमाउंट का बिल था माइनस आपका 200 का डिस्काउंट हो गया, तो अब आपको 900 हमें पे करना है। बिल आपका था 1100 का, 200 का डिस्काउंट हो गया तो 900 आपको पे करना है, सो दैट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। समझ आया स्टेटमेंट। इसके बाद आता है क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट इज जब कभी, जैसे ये सप्लायर है, ये है हम यानी परचेजर, वी आर परचेजर, हमने कंप्यूटर्स परचेज किए थे, अगर हमने कुछ भी गुड्स रिटर्न करे हैं, हमें जो कंप्यूटर्स आए थे उसमें 100 कंप्यूटर्स में थे 10 फॉल्टी थे, तो फॉल्टी गुड्स हमने इसको रिटर्न कर दिए, फॉल्टी गुड्स हमने इसको रिटर्न कर दिए, तो जब हम इसको गुड्स रिटर्न करेंगे ये इशू करेगा एक क्रेडिट नोट हमारे लिए। क्रेडिट नोट्स को एक तरह से बोलते हैं सेल्स रिटर्न, कि जो सेल्स सप्लायर ने करी थी वो रिटर्न हो गई, और हम इशू करेंगे डेबिट नोट। डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न। तो जैसे ही उसको गुड्स मिल जाएंगे वापस, वो हमें एक क्रेडिट नोट इशू कर देगा कि आपने जो गुड्स हमें वापस भेजे हैं ये उसकी डिटेल है, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट नोट, और हम भी उसको एक डेबिट नोट बना के दे देंगे कि हमने इतने गुड्स तुम्हें वापस करे हैं, दैट इज क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। तो क्रेडिट नोट इज इश्यूड बाय सप्लायर, डेबिट नोट इज इश्यूड बाय द कंपनी रिसीविंग द गुड्स, ठीक है। उसके बाद आता है रेमिटेंस एडवाइस। अब रेमिटेंस एडवाइस क्या होता है, रेमिटेंस एडवाइस इज मैं इसको उल्टा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, ये होता है हमारा क्रेडिट नोट, ये होता है डेबिट नोट। क्रेडिट नोट इज इश्यूड बाय परचेजर, बेसिकली जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हम अब सप्लायर बन चुके हैं उसके लिए, ठीक है। तो क्रेडिट नोट विल बी इश्यूड बाय अस, क्योंकि हम उसको गुड्स वापस भेज रहे हैं, एंड उसके लिए होगा डेबिट नोट कि वो गुड्स अब रिसीव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है रेमिटेंस एडवाइस। रेमिटेंस एडवाइस इज हम सप्लायर को इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर तुम अपने फ्रेंड को किसी को पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हो तो उस पेटीएम की रिसीट उसको व्हाट्सएप कर देते हो कि ये हमने तेरे को पैसे भेजे हैं, सो दिस व्हाट्सएप इज कॉल्ड रेमिटेंस एडवाइस। सप्लायर को बताना, इन्फॉर्म करना कि हमने तुम्हें ये अमाउंट भेज दिया है, पे कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। तो रेमिटेंस इज मेथड ऑफ पेमेंट, इनवॉइस नंबर, अकाउंट नंबर, डेट एक्सेट्रा, सेंड टू सप्लायर विद एज नोटिफाइड ऑफ पेमेंट, नोटिफिकेशन फॉर द पेमेंट। उसके बाद आता है रिसीट। सप्लायर हमें रिसीट भेजेगा कि मेरे को पैसे मिल चुके हैं, पैसे मिल चुके हैं, दैट इज कॉल्ड अ रिसीट, ठीक है। सो एग्जाम में क्वेश्चन इसका ये आ सकता है, वो बोल सकते हैं कि बताओ इनवॉइस का पर्पस क्या होता है, जीआरएन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, जीआरएन कौन इशू करता है, डिस्पैच नोट कौन इशू करता है, तो इसके एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं फॉर 1 or 2 मार्क, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सो ये जो हमने पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है हमने, कि एक बिजनेस के अंदर टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं। इसके बाद का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा मैं अब।